subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. So I'm very happy. I'm also a second time student with Harry. Why I came to this place is frankly वो थोड़ा funny है कि मैंने Twitter पे basically वो ठोको ठोको देखा था, ठीक है? और मैं दिल से बोल रहा हूँ. और generally क्या होता है, जैसे सर ने भी बोला, बहुत सारे लोग market में जब आते हैं तो उनको डर लगता है, punch करने में डर लगता है. तो मैं वो ठोको देख के मेरे को ये दिखा कि there is some guy who's you know with so much confidence he's talking about something, so let me come. So basically I came only for that word, right? But हाँ, मैंने ये भी देखा जो मेरे को अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मार्केट में जैसे टिप्स बेचते हैं एंड फ्रेंकली उन लोगों ने आई थिंक मार्केट खराब कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जेन्युइनली पैसे के लिए आते हैं या लॉस रिकवर करने के लिए आते हैं और उनको दे आर फूल्ड. Okay, lot of people are just fooling them. So I think what you guys are doing is really great, because you are not following those people who are you know basically ullu banaya ja raha hai bachchari janta. So aap log jo sikha rahe ho, I think wo definitely hum sab logon ko aur bahut sare logon ko help karega, genuinely help karega. And lifetime mentorship, I think not many people provide that, or maybe you are the only company who's providing that. And why I came was, yes, learn before you earn. That's very important. और इसके पहले मेरे को TA का सिर्फ technical TA मतलब technical analysis होता है, मेरे को यही मालूम था. तो अभी भी there are lot of things for me to learn, which I have not. So I'll do that. That's my journey. But yeah, I think the session is very helpful. I think the knowledge that is given और उसके साथ जो इतना सारा strategies है, मतलब वो ऐसा हो गया कि buy one get one free, ये सीख भी लो और strategies भी लो. So that is very helpful. और सर ने जो भी बोला तो वो मतलब ऐसा सोने पे सुहागा जैसे वाली बात है. तो really good. And I think you guys are doing a great job. क्योंकि वैसे भी मतलब जैसे बोला जाता है हमारी कंट्री में कि मार्केट सिर्फ 10% जनता पैसा लगाती है स्टॉक मार्केट में. डेवलप्ड कंट्रीज में यू नो द परसेंटेज ऑफ पीपल इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इज हायर. और वो 10% में आई थिंक तो बाकी लोग तो रियल एस्टेट गोल्ड वर्ल्ड में लगाते हैं, और 10% जो लगाते हैं उसमें भी ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड और ये यूलिप वुलिप खरीदते हैं. तो जो रियल ट्रेडर होता है वो हार्डली 1-2% होता है. तो अगर यू नो विद दीज थिंग्स आई थिंक दैट ट्रेडर बेस इन द कंट्री कैन ग्रो. दोनों के लिए हेल्पफुल है, तो इंट्राडे के लिए भी हेल्पफुल है और पोजिशनल के लिए भी हेल्पफुल है. और फ्रेंकली स्पीकिंग मतलब जैसे मैंने बोला मेरे लिए तो नया है, बट वो स्ट्रेटेजीज इतना एक टाइम पे मेरे दिमाग में तो ओवरलोड ही हो गया था कि मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच. सो आई थिंक इट इज गुड वैल्यू फॉर मनी. जैसे बोला जाता है बैंक फॉर द बक, सो आई थिंक इट इज टू बैंक्स फॉर योर बक, है ना? तो थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा नाम भारत है, कई सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ. 90% सब तुक्के वाले ट्रेड होते थे, कोई चल गया कोई नहीं चला, उसके पीछे का भी लॉजिक समझ में नहीं आया कि चला क्यों और नहीं चला तो क्यों नहीं चला. शायद और बहुत देर से आस भी रही है कि कम से कम उसमें एक्चुअल क्या है समझो नहीं समझो. टीवी पे सब वैसे ही करते थे, चार्ट ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, लैंग्वेज होती क्या है. तो वैसे मन में आस थी एक बार ये सीखो तो सही. ठीक है, कुछ दिन महीने पहले किसी और को भी अप्रोच किया था, फिर टाइम कंस्ट्रेंट से नहीं गए कि हमारे इस बार तो चले जाओ देखते हैं.
लकीली सैटरडे था, संडे आ गया था, सैटरडे संडे इतना बड़ा इशू नहीं है, वो सीखा। और वो जानने के बाद एक्चुअली मालूम है ये बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है, बट वो कैंडलस्टिक्स अपने आप में भाषा बोलते हैं, दोजी हो गया, हैमर हो गया, अपने आप में ये लोग किस तरह ट्रांसलेट होते हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। यू एक्चुअली डोंट नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे टू सी व्हाट इज हैपनिंग। वो सेटअप उस दिन शाम को तुम्हें मालूम पड़ेगा था अगले दिन ये होने वाला है, जितना ये देख रहा हूँ। तो वो उतनी बड़ी लर्निंग है। और शायद बहुत देर से मैंने भी ट्राई किया, जैसे मैं ICICI बैंक SBI बैंक पर ट्राई किया था, नहीं हुआ था। मैंने एक ही बार सोची, एक PSU बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है, इसलिए शायद वो स्ट्रैटेजी जेल नहीं हुई। ये कभी दिमाग भी नहीं आया कि शायद मैं कोरिलेशन चेक करूँ, उससे बेटर होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट आई रिवर्ट बैक टू, ये करूँ ये नहीं करूँ, शायद वो बेटर रहेगा। और जो जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि यू लर्न बेटर, आपका दिमाग ठंडा रहेगा, और जिस दिन आपका दिमाग ठंडा रहेगा आप भी बहुत सुख से किसी को पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, तो आपने खुद कमाया है, आप कर सकते हो चीज़। तो सर जो मैं ऑपरेटर गेम बोल रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ऑपरेटर कैसे ट्रेड करना है बिग टारगेट्स के लिए, बड़े प्लेयर को। सिंपल लॉजिक है, आप छोटा स्टॉप लॉस रखो, बड़ा टारगेट मारो। तो वो जो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों पहले की बात है, जब 31,100 के आसपास बैंक निफ्टी आया, वहाँ पे उस दिन मेरे पास कॉल पड़ी हुई थी 100 रुपये, भागा एकदम 237 रुपये से आधे घंटे तक भाग गया, 140-145 बाहर निकल गया, क्लोजिंग देखा अफसोस हुआ, उसके अगले दिन हुआ तो और बड़ा अफसोस हुआ, ये क्या हो गया करके। ठीक है, बट वो क्यों हुआ आज अगर मैं देखूँ, वो चार्ट बोल रहा था उस टाइम पे होने वाला है, फैंटास्टिक है, दिस इज लाइफ, ये चार्ट बोल रहा था उस दिन, अपन ने चार्ट देख ही नहीं। होता क्या है, वो उस टाइम पे आप वो ट्रेड के अंदर इतने ज्यादा इंग्रॉस्ड हो, चार्ट देखते नहीं, चार्ट कब देखोगे, जब आप ठंडे दिमाग से बैठे हो, जो होगा देखी जाएगी, तभी आएगा जब आप अपना एमटर्म देखोगे। एमटर्म देखना ही नहीं है भाई, मेरे को ये देखना है, ये पॉइंट है, ये टारगेट है, स्टॉप लॉस है, बात खत्म, यहाँ आएगा निकलूंगा, नहीं आया ट्रांजेक्शन बन रहा है, निकल जाओ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो अपनी ट्रेड सुबह 10 बजे तक खत्म कर लेता हूँ, उसका राज यही है कि वो सेटअप जानते हुए अपनी ट्रेड मारनी है, मार के निकल जाओ बाहर 10 बजे 10:15 बजे बाद। ईगल आई, उस ईगल आई पे आया, काम किया, निकले, और फिर ये अपना सेमिनार प्रमोशन ये चलाते मार्केट, एंड ऑफ द मार्केट इट विल शो व्हेदर इट्स प्रॉफिट और लॉस, व्हाटएवर इट शोस यू हैव टेकन योर प्रॉफिट और लॉस डन बाय 10 यू हैव वर्कड आउट। तो दूसरी बात क्या, एक और चीज जो हेल्प करेगी फॉर नॉट मेनी पीपल इज, हम सब का हम काम कर रहे हैं वो अपनी बकेट इनकम है, रोज काम कर रहे हैं, रोज उसमें से कमा रहे हैं, ये अपने लिए आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट है। इफ दिस पेज यू बैक इट अगेन पे यू बैक इन बकेट्स, इट बिकम अ पाइपलाइन इन फ्यूचर, व्हिच इज व्हाट विल मैटर फॉर एवरीबॉडीज ओल्ड एज। आई एम राजू, आई वाज ऑपरेशंस मैनेजमेंट for almost 20 years. So just I mean, 2 months back when I resigned the job, and I was just looking for something, I mean, in the gap in the time of the work. While I was searching for a job, I just wanted to utilize this time to learn something. Okay. So I've been trying to, I mean, attend this kind of, I mean, training session for a long time. But I was not getting a right trainer, or I mean, I was not aware, I mean, who will be the training and all. So I was only searching. So I've taken, I mean, recently one online training. Believe me, I could not learn anything. Nice, important. I was really, I mean, frustrated, I mean, after attending that training. I thought, how much you paid, sir? I paid 6,000. Okay. So I thought, I mean, unless until I attend a training face to face, I will not be able to, I mean, clear my doubts. So I thought of, I mean, that, and immediately, I mean, I have seen, I mean, an ad in Facebook. So immediately I called you. And when I called you, I have really, I mean, impressed the way you have received my call. Okay. So immediately I thought, I mean, sir, the way you spoke to me, I mean, softly, I thought, I mean, this is a person, I mean, who can give a better training. So immediately I paid you, I mean, 5,000 rupees advance, and then, I mean, enrolled for it. But here, I mean, before coming here, for the past 1 week, I've been trying to understand what is this candlesticks. I was not able to understand even a single candlestick, and I was trying to trade and I was losing money.
So today I have clearly understood, I mean, what is this candlestick and how it works. So I'm sure, I mean, this should help me, I mean, in the future to see the trend. Okay, Arshad Pasha, I'm a businessman. Business karta hu. Ye share market to bilkul nahi hai mere waste. Isme kuch bhi nahi malum. Aur ek cheez main ye bolna cha raha hu, wo din ke seminar mein aapke ye mehsoos kara ek koi cheez ka jo hai juice nikal dete, yani ek tayar phal hai ya kuch bhi hai, juice nikal dete, wo juice diya aapko. Acha, wo ek important hai. यानी इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी चीज़ बता दिए. और एक सेकेंड चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ, कम स्टॉप लॉस ज़्यादा प्रॉफिट. ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, कम स्टॉप लॉस ज़्यादा प्रॉफिट, ये कोई भी नहीं बताता. यानी 1:1 कोई भी बताता, 1:3, 1:4, 1:5 ये बड़ी बात है. बहुत अच्छा लगा मुझे. तो आपके जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहूँगा? एक ही चीज सीखो और कमाओ, दो ही चीज है. पहले सीखो, दूसरा कमाओ. थैंक यू सो मच सर, आप पुणे से आए यार. मैं अजय कुमार परमार, सेकेंड टाइम वर्कशॉप ज्वाइन किया हूँ. फर्स्ट टाइम भी रायपुर से आया था, अभी भी रायपुर से आया हूँ. पुणे आया था फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम अभी हैदराबाद रायपुर से आया हूँ. पिछले बार का एक्सपीरियंस अच्छा था, उसको और फिनिश करने के लिए मैंने को और आना चाहिए सर से मिलने. एक कॉन्फिडेंस ही बढ़ रहा था, मैंने को और जाकर मिलना चाहिए. अब कुछ जो पुरानी चीज़ें जो मेरे को समझ नहीं आई थी, उस समय पैसे भी नहीं थे. सर ने बोला पैसे आने से पहले सीखो. तुम्हारा पैसे भी आ गए हैं तो थोड़ा और अच्छे से बारीकी से चीज़ सीखनी चाहिए. अब पैसे आने से पैसे बढ़ाने का तो सर ही तरीका बता सकते कि कैसे बढ़ेगा. और जिस टाइप का सर ने सारी चीज़ बताई है, मेरे को लगता है पैसा बढ़ना चाहिए. जितने लोग भी सीखे, मैं भी चाहूँगा सर को एक सरप्राइज करेंगे. सर ही प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे और मैं भी जितना मार्क टू मार्क प्लस करके सर को बता सकते कि 10,000 का 1,00,000 हम भी बना सकते हैं. हम हैरी सर, पंकज सर तो बन नहीं सकते अभी, थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए. लेकिन एक कोशिश करते अपन इनके आगे पीछे, नहीं तो कुछ तो 9-10% आ सकते. अपने को दो चीज़ ऐसी दी है, एक तो ऑलरेडी अपनी स्ट्रैटेजी दे दी है जिसमें अपने को कोई मेहनत नहीं करनी, उसमें तो आप बिंदास ट्रेड कर सकते हैं. वो ट्रेड एक प्लस अपना पॉइंट है. दूसरा जो उन्होंने सिखाया है वो अपन टाइम निकाल के सीखे तो ज़्यादा अपने लिए बेटर है. सर ने जो चाहिए वो तो अपन पैसा बनाएंगे उससे, लेकिन जो अपन सीखेंगे उससे बनाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा. मेरी कोशिश है कि अपन जो सीखे हैं उसको अप्लाई कंटिन्यू करें और कुछ ना कुछ शेयरिंग जरूर करें सर को, कि लगना चाहिए कि हाँ आए थे यहाँ पे और शेयरिंग हो रही है. चाहे तो कोशिश करेंगे सबके सब ग्रुप जो बना है उसका पूरा यूज यूटिलाइज करें. बस इतना ही कहना है. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. माय नेम इज रामचंद्र एंड आई एम वेरी न्यू टू ट्रेडिंग. कुछ नहीं पता इसके बारे में, बस यूट्यूब में वो चेक कर रहा था. अभी तक अप्लाई नहीं किया, ट्रेड भी नहीं किया. छोटे छोटे ट्रेड्स किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए जो होते हैं सच है. तो जो कॉन्सेप्ट जो है, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स जो यूट्यूब में चेक किया था पूरा, वो थोड़ा अप्लाई होता है, अप्लाई नहीं होता. बट यहाँ तो इंडिकेटर की बात ही नहीं हुई है इस पर. सो आई थिंक ये इंडिकेटर का सरदर तो नहीं है, दैट्स व्हाट आई थिंक. सो वो ऑल लर्निंग्स में ठीक से लेके जाऊँगा. बोल रहे प्रैक्टिस करने का है वो तो, बिकॉज आई एम अ फ्रेशर, बिकॉज बहुत लोग हाथ जला चुके हुए हैं. सो वैसे मैं सेफ खेलने का है, या जैसे बोलते हैं कि गुड लॉस बैड लॉस रहता है. आई वॉन्ट टू मेक अ गुड लॉस, दैट स्टॉप लॉस, आई डोंट टू मेक अ बैड लॉस. सो वो देख रहा हूँ. I want to give some time and बड़ा सोच रहा हूँ मैं. I think आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं. Let's see, that's what I'm going to wish you. స్టాక్ మార్కెట్ అంటే ఎవరికి భయం ఉంటుందో భయపెట్టుకోకండి. బస్ నాకు అప్పుడు ఆ ఫియర్ ఉండేది. ఓకే, ఆ ఫియర్ లాంటిది ఏమి. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు దాకా నాకు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇక్కడ ఎవరు అయ్యారు ఏం చెప్పారంటే ఒకటే మాట, ఫస్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే దీంట్లో దిగాలి. నేర్చుకోకుండా దిగడం వేస్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే నేర్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం నేర్చుకుంటాం దాన్ని, ఏంటి డెప్త్ ఏంటి, నాలెడ్జ్ ఏంటి. దాని తర్వాత ఒక అవగాహన వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కరెక్ట్గా టేకప్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. సో ప్రాక్టీస్ ఇస్ మస్ట్, అవేర్నెస్ ఇస్ మస్ట్, మార్కెట్ తెలియాలి మనకు. సో ఇవన్నీ లెర్నింగ్స్ తోటి పాటు వెళ్తేనే మనకు కొంచెం విజయం ఉంటుంది. లాట్ ఆఫ్ లింక్డ్ ఇన్ థింగ్స్ విచ్ హావ్ సీన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ అండ్ వన్ ఐ వాజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ యూ కేమ్ టు మీట్ మీ అట్ వన్ పాయింట్. That was one awesome discussion which we had. So that made me to join. Okay. And because that's a personal key alert. Indicators ani chala man check chestuntaru. Dantlo okkar normal ga investing.com and trading.com lo chuste enno indicators anipisthayi. Ikkada oka indicator kuda vaadaledu ikkada. So that's the best of it. So that gives other confidence. Indicator nen YouTube lo chusi check chesanu. ఇప్పుడు దానికి అవసరం కూడా లేదని అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు దట్స్ ఇట్, నథింగ్ ఎల్స్. ఏదో ఎప్పుడు కావాలంటే చూడొచ్చు, కానీ అది అది దాంతో అవసరం లేదు. సో దట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్.
I can say that. So now I have to practice, because you know, I learned it now. If I don't practice it, it will not come with me. I have to learn. And lifetime support is there. So definitely I'll trouble them. That is what I am thinking, and I will do it because I don't want to leave it. मार्केट हो या कोई और भी काम हो सर, उसको सीखना जरूरी पड़ता है सर। और एक बात है सर, अभी जो भी जॉब करना है, जो भी करना, तो उसकी ट्रेनिंग होती है सर, जैसे कि मैं बैंक में जॉब करना है, तो स्टॉक मार्केट एक बहुत पावरफुल चीज़ है सर, इसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर ये तो दो धारी की तलवार है सर, तो किधर भी कर जाए तो इसकी ट्रेनिंग तो बहुत मस्ट शुड है सर, ये छोटी सी जॉब के लिए भी हमें ट्रेनिंग पर जाना पड़ता है सर। और एक बात सर, वॉरेन बफेट का तो जो पैटर्न था तो पढ़े था लेकिन समझे नहीं था सर, उसको पढ़े सर, व्हेन ग्रीड हर कोई बोलता है बैठो सेल करना है, तो तब समझे नहीं सर, इंट्राडे में हो या जो भी फ्यूचर में करना, किस तरीके से करना, तो वो बात समझ में नहीं आई थी सर। तो सर हम ऐसा लगा सर लॉन्ग टर्म के लिए होगा सर, मैंने मतलब एक बार लिए हमने 10 साल 15 साल, तो यहाँ आने के बाद हमें मालूम पड़ा नहीं शॉर्ट टर्म में भी उसको कर सकते सर। वो कैसा वो आपसे मालूम पड़ा सर, वो जो कोटेशन था जो वॉरेन बफेट है। थैंक यू सो मच, हेल्प यू सर। जी सर, बिल्कुल सर, वेरी नाइस सर। सो हैविंग लॉस्ट इट वाज, सो आई जस्ट केम आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट कंप्लीटली फॉर नियरली 1.5 to 2 years, बट आई वाज डूइंग कैश मार्केट बट नेवर एंटर्ड डेरिवेटिव्स। आई अंडरस्टूड दैट दिस द टर्म कंप्लीटली टोटली डिफरेंट बॉल गेम एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, आई वाज लिसनिंग टू सम टिप्स एंड डूइंग इट, इट वाज टोटली बैड। आप टिप लेना तो ले लो, बट आपका एनालिसिस तो खुद को करना ही पड़ेगा, विदाउट योर एनालिसिस यू डोंट, यू कांट डू एनीथिंग, जस्ट डोंट ब्लाइंडली बिलीव समबडी एंड डू इट, यू मस्ट हैव योर ओन नॉलेज बट अप्लाई इट, इफ द टिप एंड योर एनालिसिस इज मैचिंग देन गो फॉर इट, और गो इज व्हाट आई लर्नड हियर इन। क्या बताना चाहेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में सर, कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पता है जो कौन कौन आता है, इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट में सिर्फ वो लोग आते हैं जो पैसा खोया है, वो सीखने के लिए आता है, और जो नहीं खोया ना वो नहीं सीखता है। और सर ने जो पहला स्टेप है वो सीखने का सोचा, तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा आप लोगों को जल्दी एक ग्राफ करो, तो इसलिए जो फ्रेशर्स है जो बिगनर्स है, बॉस मैं चिक चिक के एक ही चीज बोलता हूँ, पहले सीख लो फिर सोचना है इन्वेस्टिंग का। आप लोग सब इन्वेस्टिंग करके लॉस करके फिर सोच रहे हो सीखने का, तो वो पैसा आपका बच जाएगा कहीं ना कहीं। सर मैं तो पहले आपको जो बात का वीडियो मैंने देख कर सीखा, देन उल्टा उल्टा स्ट्रैटेजी भी अप्लाई किया, देन सोचा कि कुछ सीख के मार्केट में एंट्री करता हूँ, उधर इसीलिए मैं आया स्टडी करने के लिए। कहाँ से आए आप सर? ओडिशा से। ओडिशा से सेमिनार अटेंड कर लिया, क्या बात है, फैंटास्टिक है, थैंक यू। और सर एक बात बताइए, सी ओ पी कैसा लगा आपको? सर सी ओ पी बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, मतलब इसे काम करना है तो आप हमको अच्छे से सिखा दिए, बहुत अच्छा लगा सी ओ पी। एंड जो टाइम ऑन स्ट्रैटेजी और क्रोकोडाइल स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। तो यू एस के लिए कुछ कहना चाहोगे? एंड व्यूअर्स आई वॉन्ट टू टेल यू दैट प्लीज मार्केट में कुछ सीख के एंट्री कीजिए, और सीखने के बाद काम करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्रॉफिट लिया तभी जो मैं सेमिनार अटेंड किया, ओके, मैंने काफ़ी चीज़ सीखने को मिली, और जब प्रैक्टिस करी तो शायद आपके साथ शेयर की। तो मतलब आउट ऑफ रेटिंग आप कितना देना चाहेंगे? 10 में से 10? वाओ वंडरफुल मैन, और क्या चाहिए मैं, इतनी तो एक्यूरेसी लेवल भी नहीं होती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिला जो आपको आई कैची था, वो चीज़ मिली जिस चीज़ के लिए आप आए थे, am I right? I will tell you, I am always a preemptive trader. Okay. I am a contrarian trader, always. Okay. I have been in the market for long and I have always been a contrarian trader. Okay. People are extremely bullish, I go and short. And people recognize me as a short trader than the long trader. Okay. Whoever my friends are there. Okay. So they know this fellow is one guy, when the market is extremely bullish, this guy will search for a sell call. Okay. So, and you know, that really gelled. That suited me. So because you know your idea of, you know, when market is extremely bullish you want to sell, I also look at the same thing, but only thing is I don't buy at low, that is my fallacy, so probably I will cover it now, but because you know I'm mostly a seller,
Mostly a seller. So now you got the point of the seller and buyer, both the concepts, a big operator. Think about for the big, from the big operators like that only, right? Perfect. So what rating would you like to give? And you would like to give it to you. నాకు అన్ని లాంగ్వేజ్లు బాగానే వచ్చు, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, సార్ తెలుగు. ఏక్ మెసేజ్ హైదరాబాద్ వాళ్ళకు జిన్నోడ మిస్ కియా హైదరాబాద్ కి సార్, మతలబ్ ఆధా ఆల్మోస్ట్ 11 బజే ఆయే రైట్, 12 బజే, 12 బజే జిన్నోడ మిస్ కియా హైదరాబాద్ కా శనివారం ఉన్కో క్యా మెసేజ్ దేనా చాహోగే? రైట్, ఎస్పెషల్లీ బిగినర్స్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ప్యాటర్న్స్ కోసం ఏదైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో, మంచి రిఫ్రెషర్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రాటజీస్ వరకు మంచిగా బిల్డ్ చేశాడు. సో ఓవర్ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ క్యాండిల్ స్టిక్ చార్ట్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్, డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అబౌట్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ బిగినర్స్, నాట్ బిగినర్స్, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఓన్లీ ఫర్ బిగినర్స్, బట్ పీపుల్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్, లైక్ సంబడి సెడ్ ఐ నెవర్ న్యూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ క్యాండిల్ స్టిక్స్, యూనో హీ వాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ట్రేడింగ్ ఇట్స్ బికాస్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్. హౌ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావ్? 9 to 10 years you have experience. So is it worth it? Jo 10 saal ka experience hai wo uske liye seminar? Why not? Definitely. And for me, I totally believe in, you know, learn continuously. It is not that you have been in the market for 10 years, you should stop learning. Aur sir, aapko jo 10 saal ka experience hai, bahut important. Jo maine diya, ye kahin suna hai? Jo concepts maine aapko dene ki koshish kari, kuch achhi cheez lagi aapko? Nahi, contrarian trades mere ko bahut acha laga. Wo acha laga? Contrarian, because you know that is where you will make lot of money. Lot of money. Okay. Right. You know, you so what exactly you are finding, you easily get chadti hue train pe girte ho to chadte ho to thoda risky ho jata hai. But you know, when you buy at low and sell at high, that everybody would dream. So probably most of the time you will be successful here, and your concept is even if I lose 7 out of 10 trades, 3 trades I will make big. Perfect. This is powerful. This is one unique concept what I am trying to teach in the class, right? Perfect sir, maza aa gaya sir, thank you so thank much, you very much. Harry sir class I was I'm having almost 10 years of experience, bahut sare classes attend kiya aur video YouTube mein videos dekha, bahut sare I have kya bolte hain analysis kiya, wo kara ye kara, mar kahin bhi paise nahi aaye. मैं लास्ट जो भी टेक्निक इंडिकेटर्स के बारे में बोलते हैं सब लोग, वो क्या अंग्रेज का गुरु, ये गुरु, वो गुरु, वो पूरे बहाने चले गया आफ्टर हैरी सार के बारे में. ओनली प्राइस एक्शन, लास्ट टाइम जो प्राइस सीओपी ईगल आई, वो जो जो सीखा ना, और प्रैक्टिकल लाइफ में सुपर, प्रैक्टिकल लाइफ में सुपर. बिफोर हैरी सार, बिफोर स्टार्टिंग जिला बैच में स्टार्टिंग करते वक्त इस बोले 70% आपका साइकोलॉजी है, ओनली 30% इज ये प्राइस एक्शन स्टैंडिंग. थैंक यू सो मच कि कल आप आए यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है. आया बोलते तो लोकल नहीं है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. If I don't make profit, but if I don't make also profit, then I should not. That's I learned from here. Okay. दोबारा सर थोड़ी जोर से जो मैसेज आपने दिया है, क्या मतलब, ऐसा क्या सीख के गए आप, यहाँ से क्या लेके जा रहे हो वो? एक्चुअली प्रीवियसली वन ट्रेनिंग अटेंड कर चुका हूँ, वो भी मान के कन्फर्मेशन, अभी तो ट्रिपल कन्फर्मेशन हो गया अरे चेंज ऑफ It's a new for me. Okay. Or swing ahead, swing low. Swing is also complete new for me. Okay. तो जो मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, ऑपरेटर एक दिन पहले पता चल जाएगा कि इस स्टॉक में ऑपरेटर है. Yes. वो मिला? मिला सर. वो चीज दिखा आपको? Yeah. आपको दिख रहा है अपनी आँख से? जो बिग प्लेयर्स काम बैठे हैं, वो दिख रहा है? क्या रेट करना चाहोगे सर 10 में से? 10 out of 10. 10 out of 10. और क्या चाहिए दोस्त? थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.